हेलो फ्रेंड्स, अलार्म क्लॉक हम ह्यूमंस की सबसे बड़ी इन्वेंशन में से एक है, और उससे भी बड़ी इन्वेंशन है अलार्म क्लॉक में स्नूज बटन का होना। स्नूज बटन हमारे अलार्म को एक सर्टेन टाइम के लिए बंद कर देता है ताकि हम थोड़ी एक्स्ट्रा नींद ले सकें। मगर ऐसा क्यों होता है कि उन एक्स्ट्रा मिनट सोने के बाद हम और टायर्ड फील करते हैं? तो क्या उन एक्स्ट्रा मिनट्स ने आपको सचमुच हेल्प की, या फिर एक नेवर एंडिंग साइकिल शुरू कर दिया पूरे दिन टायर्ड रहने का? पर आप क्या जानते हैं कि हमारे इस अलार्म क्लॉक वाले वर्ल्ड में हमारी बॉडी बिना अलार्म के भी जाग सकती है, वो भी बिल्कुल नेचुरली। क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सी ऐसी बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती हैं जो ना कि सिर्फ हमें टाइम पर सुला सकती हैं, मगर टाइम पर सुबह उठा भी सकती हैं। जब हम सुबह नेचुरली जागते हैं बिना अलार्म क्लॉक के, तब हमारी बॉडी उठने के एक घंटे पहले से ही प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है और हमारी स्लीप लाइट हो जाती है, और हमारे हार्मोन्स जैसे कि डोपामिन और कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं जो हमें एनर्जाइज करते हैं हमारे डे को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन हमारे अलार्म हमारी स्लीप साइकिल को इंटरप्ट करते हैं और साथ ही उसके प्रोसेस को भी शॉर्ट करते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम एक रेगुलर स्लीप रिदम या शेड्यूल ना बनाएं, तो हम अपना अलार्म तो बंद कर देंगे लेकिन हमारी बॉडी रेडी नहीं होगी हमारे दिन के काम करने के लिए। और इस स्टेट को हम स्लीप इनर्शिया बोलते हैं, और उसकी स्ट्रेंथ रिलेट करती है कि हम अपनी स्लीप में कौन से साइकिल में उठे हैं। अगर हम अपनी डीप स्लीप से उठे हैं तो हमारे स्लीप इनर्शिया की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, जिससे हम ज़्यादा टायर्ड फील करेंगे पूरे दिन। अलार्म क्लॉक का स्नूज बटन और भी ज़्यादा डैमेज करता है हमारे स्लीप साइकिल को, क्योंकि जब हम अलार्म क्लॉक को स्नूज करके दोबारा सोते हैं तब हमारी बॉडी स्लीप साइकिल को दोबारा स्टार्ट कर देती है और एक डीप स्लीप की स्टेज में एंटर हो जाती है। हमें लगता है कि हमारी बॉडी उठने के लिए प्रिपेयर हो रही है, पर हमारी बॉडी तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है एक डीप स्लीप की तरफ। और जब हम दोबारा अलार्म स्ट्राइक करते हैं तब हम और ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं उठने के बाद, और ये विशेष सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें अपने ओरिजिनल अलार्म को 10 या 15 मिनट्स के बाद सेट करना चाहिए, ताकि हमें स्नूज बटन को यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े और हमारा स्लीप साइकिल बिना इंटरप्ट हुए पूरा हो सके। हमें एक रेगुलर स्लीप पैटर्न बनाना चाहिए, क्योंकि हमें टायर्डनेस सिर्फ स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से नहीं होती, बल्कि इसलिए भी होती है कि हम एक कंसिस्टेंट शेड्यूल फॉलो नहीं करते। हमारी बॉडी को प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत पसंद है, और जब हम एक फिक्स टाइम सेट कर लेंगे सुबह उठने का इंक्लूडिंग वीकेंड्स, तब हमारी बॉडी उस स्लीप पैटर्न को कुछ ही दिनों में अडेप्ट कर लेगी, और उसके बाद हमें कभी भी अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सुबह टाइम पर उठने के लिए। लाइक करें अगर ये बातें आपको काम की लगी, शेयर करें, और हाँ, अगर आप मेरी बनाई गई वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो अपनी स्क्रीन पे बने इस सर्कल को क्लिक करें। ये सर्कल आपको सीधा मेरे चैनल के होम पेज पे ले जाएगा। वहाँ जाकर आप मेरे चैनल के बेल आइकन को क्लिक कर दें, इससे मैं जब भी एक नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। कमेंट करें अपने व्यूज़ इस टॉपिक को लेके, सब्सक्राइब करें, एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।